नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने अभी तक जाना ज्योतिष का मूल आधार नक्षत्र, राशि व ग्रह है। अब हम एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले राशि पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष में ग्रह का फल कुंडली में उपस्थित राशि के अनुसार ही प्राप्त होता है। जन्म के समय नक्षत्रों के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में होता है वही मनुष्य की चंद्र राशि कहलाती है। कुंडली में लग्न का आधार भी सर्वप्रथम दिखने वाली राशि के अनुसार ही होता है और लग्न की राशि अनुसार ही जातक के गुण व स्वभाव का निर्धारण होता है। सर्वप्रथम जन्म कुंडली जन्म समय की आकाशीय मानचित्र होती है। भचर्क में पूर्वी क्षितिज में उदय होने वाली राशि को ही लग्न कहते हैं और बाकी ग्रह अलग अलग राशि में लिखते हैं। राशि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। नक्षत्रों के द्वारा निर्मित आकृति के अनुसार राशि व उनकी आकृतियाँ इस प्रकार हैं। नंबर एक मेष मेढ़े के समान, नंबर दो वृष बैल के समान, नंबर तीन मिथुन पुरुष स्त्री का जोड़ा, पुरुष के हाथ में गदा स्त्री के हाथ में वीणा, कर्क केकड़े के समान, नंबर पाँच सिंह शेर के समान, नंबर छः कन्या धान तथा अग्नि लेकर नाव पर बैठी हुई कन्या, सात तुला तराजू हाथ में लिए हुए मनुष्य, आठ वृश्चिक बिच्छू के समान, नौ धनु कमर के ऊपर हाथ में धनुष लिए हुए मनुष्य और नीचे घोड़े की समान चतुष्पाद आकृति, दस मकर मगरमच्छ के समान और चेहरा हिरण के समान, ग्यारह कुंभ कंधे पर घड़ा लिए हुए पुरुष, बारह मीन दो मछलियों का जोड़ा जो एक दूसरे की तरफ मुंह पूंछ की तरफ किए हुए हैं। राशि की आकृतियों के बाद अब हम आगे राशियों की और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। दिशा है पश्चिम, धातु इनकी मिश्र है यानी कि कंबाइंड रिजल्ट देती है। इसके बाद 4, 8, 12 कर्क वृश्चिक
मीन। इन राशियों का तत्व जल है और इनका वर्ण ब्राह्मण है। दिशा इनकी उत्तर है और धातु इनकी कफ है। ये आगे जो धातु है वो बीमारी वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों का कार्य आएगा। अब आते हैं इनकी राशियों की शत्रुता और मित्रता। राशि की जो अग्नि तत्व राशियां हैं उनकी मित्रता वायु तत्व की राशियों से होती है। जैसे मेष, सिंह, धनु की मित्रता मिथुन, तुला और कुंभ राशियों के साथ है। जो विषम राशि है उसका मित्र विषम राशि, और आगे जो सम राशि है उसकी मित्रता सम राशि से। अब पृथ्वी तत्व की मित्रता जल तत्व से होती है, जैसे वृष, कन्या, मकर, इसकी मित्रता होगी कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों के साथ में। इसके विपरीत इनमें शत्रुता होती है। राशि के कर्मानुसार विषम राशि विषम की मित्र है, सम राशि सम की मित्र है। सम व विषम राशियां आपस में शत्रु होती हैं। राशि जैसे उदय होती हैं उस प्रकार से इनका प्रकृति। नंबर एक शीर्षोदयी, नंबर दो पृष्ठोदयी, नंबर तीन उभोदयी। शीर्षोदयी राशियां वो कहलाती हैं जो भजक में सबसे पहले सिर प्रकट करती हैं या सिर की तरफ से उदय होती हैं। ये राशियां हैं मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। पृष्ठोदयी जो पहले पांव की तरफ से उदय होंगी उन राशियों को पृष्ठोदयी राशि कहते हैं। इसके अंतर्गत मेष, वृष, कर्क, धनु और कुंभ राशियां होती हैं। उभयोदयी जो भचक्र में समानांतर उदय होंगी उन राशियों में मिथुन और मीन राशि आती है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने मिथुन को कई जगह लिया हुआ है और कई जगह नहीं लिया हुआ है समानांतर उसमें, इसको शीर्षोदयी भी मानते हैं। अब बात करते हैं इन राशियों के पदों के हिसाब से। द्विपाद, चतुष्पाद, कीट व जलीय राशियों में इनका वर्गीकरण। द्विपाद राशियां जैसे मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध ऊपर का हिस्सा और कुंभ। चतुष्पाद राशियों में मेष, वृष, सिंह, धनु का उत्तरार्ध यानी नीचे वाला हिस्सा और मकर का ऊपर का हिस्सा। नंबर तीन कीट राशियां वृश्चिक। नंबर चार जलीय राशि है, इसके अंतर्गत कर्क, मकर का नीचे का हिस्सा और मीन राशियां आती हैं। अब राशियों की स्थिरता की बात करें तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां होती हैं। चर राशि के अंतर्गत मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशि में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव राशि में मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब राशियां कब कब बली होती हैं, दिन बली और रात्रि बली। दिन बली राशियों में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। रात्रि बली राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। अब जो राशियां होती हैं वो किसी ना किसी हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो इस प्रकार है। मेष राशि सिर पर होती है, वृष राशि चेहरा और गर्दन, मिथुन भुजाएं, कंधे व छाती का ऊपरी हिस्सा, कर्क दिल, छाती, फेफड़े, पेट का ऊपरी हिस्सा, सिंह पीठ, कमर, हृदय व रीढ़ की हड्डी, कन्या कमर, कूल्हा, नाभि के नीचे का हिस्सा, तुला वस्ती और पेडू, वृश्चिक जनेंद्री और गुदा, धनु जांघे, मकर दोनों घुटने, कुंभ पिंडलियां और टखने, मीन पैर, एडी का पंजा। प्रिय दर्शकों, आज इस पाठ के अंदर हमने राशियों की प्रकृति, धातु, तत्व व उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले पाठ में आपको ग्रह के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों,
अगर ये शुभारंभ की गई सीरीज आपको पसंद आ रही है और मेरे द्वारा बताए गए पाठ में आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है या अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।